हेलो दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को ये नहीं पता है कि फ्रूट्स को सही किस तरह से खाना है, और फ्रूट्स को खाने का सही तरीका ना पता होने की वजह से वो लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स से जो शरीर को बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसकी बजाय शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी कि गैस, एसिडिटी के प्रॉब्लम, ब्लोटिंग के प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी, बाल सफेद होना, बाल झड़ना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्रूट्स को गलत तरीके से कंज्यूम करने की वजह से होते हैं। और फ्रूट्स को गलत तरीके से कंज्यूम करने की वजह से हम उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को गुमा देते हैं। उसकी वजह से हम विटामिन डेफिशिएंसी को भी फेस करते हैं, क्योंकि हम फ्रूट्स को गलत तरीके से खाते हैं। फ्रूट्स को खाने से हमें विटामिन डेफिशिएंसी ठीक होना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स को गलत तरीके से खाने से हमें विटामिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो फ्रूट्स को हमें हमारी डेली एक्टिविटी, हमारी जो डेली लाइफ है उसका पार्ट तो हमने बना लिया है, लेकिन फ्रूट्स को सही तरीके से किस तरह से खाएं, फ्रूट्स को कब खाएं, फ्रूट्स को कैसे खाएं और कौन से फ्रूट्स खाएं और कौन से फ्रूट्स ना खाएं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में, जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि फ्रूट्स को खाने के सही नियम क्या क्या है। फ्रूट्स को खाने का सबसे पहला नियम है ईट लोकल फ्रूट्स। हमें लोकल फ्रूट्स खाने हैं। लोकल फ्रूट्स यानी कि हम जिस शहर में रहते हैं वहां पे जो लोकली फ्रूट्स मिलते हैं, वहां पे उगाए जाने वाले 100 किलोमीटर के रेडियस में उगाए जाने वाले जो फ्रूट्स हैं उसे लोकल फ्रूट कहा जाता है, और वो लोकल फ्रूट हमारे एरिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए सही होते हैं। आजकल फैशनेबल फ्रूट्स खाने का जमाना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि कीवी है, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये फ्रूट्स हम खाते हैं। ये हमारे लोकल फ्रूट्स नहीं है, ये इम्पोर्टेड फ्रूट्स हैं। ये एक ऐसे वेदर में उगे हुए फ्रूट्स हैं जो वहां के लोगों के लिए अगर वो खाए जाए तो उनकी बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जब ये फ्रूट्स यहाँ पे हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को ज्यादा फायदा नहीं देते हैं। दूसरा कि ये फ्रूट्स इतने महंगे होते हैं कि जो हमारे नॉर्मल फ्रूट्स से ज्यादा महंगे होते हैं, इससे बेटर है कि ये हमारे शरीर को उतने अच्छे न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लोकल फ्रूट्स नहीं है और हमारे वेदर के हिसाब से वो हमारी बॉडी के लिए इतने फायदेमंद नहीं है। डेफिनेटली उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस है, लेकिन वो जिस वेदर में और जिस एरिया में उगते हैं, अगर वो एरिया में हम रहते हैं और उसको वहां पे हम कंज्यूम करें तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट रहेंगे, लेकिन उसे हमें यहाँ पे नहीं खाना है जिस वेदर में हम रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखना है कि हमें फ्रूट खाना है वो लोकल फ्रूट्स खाने हैं, ना कि हमें फैशनेबल और इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाने हैं। अब दूसरी बात करते हैं, फ्रूट्स को काट के रखना या स्टोरेज करना। ज्यादातर लोग फ्रूट्स के जो शौकीन होते हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्सियस होते हैं, जिनको जो मोटापा नहीं बढ़ने देना चाहते और चाहते हैं कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल रखूं, तो वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को काट के या तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या तो फ्रूट्स को काट के अपने टिफिन बॉक्स में साथ में ले जाते हैं, सुबह जाते हैं, दोपहर के लंच में वो खाते हैं। तो इस तरह से करने से फ्रूट्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। दूसरा, फ्रूट्स की जो तासीर होती है वो अल्कलाइन होती है। अगर वो अल्कलाइन फ्रूट्स को हम लॉन्ग टाइम तक कट करके रख देंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी को वो फायदा करने की जगह पे नुकसान करेगा, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और गैस होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स को काट के कम आधे घंटे के अंदर हमको खा लेना है। अगर हमने फ्रूट्स काटे हैं तो उसको हाफ एन आवर में खा लेना है। फ्रूट्स को काट के रेफ्रिजरेटर में या डब्बे में लेकर नहीं घूमना है। अब तीसरी चीज आपको मैं बताने वाला हूं, खाना खाने के बाद फ्रूट्स कभी भी ना खाएं। ज्यादातर फैमिलीज में, ज्यादातर लोगों में मैंने ये चीज देखी हुई है कि लोग खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं। ये एक फैशन है हमारे समाज में कि खाना खाने के बाद फ्रूट की डिश आती है और लोग फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, खाना खाने के बाद फ्रूट्स को कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसका एक रीजन है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें रोटी है और सब्जी जाती है, राइस जाता है, वो सब पेट में गया है, उसने अंदर में जो एटमोस्फियर क्रिएट किया है। जब हम ऊपर से फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट्स जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल चीज है। फ्रूट्स जब हम खाएंगे तो वो शरीर में जल्दी से डाइजेस्ट होने लगेगा
और जो रोटी और सब्जी और राइस हमने खाया था उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो अनकुक्ड है। फ्रूट जो है वो अनकुक्ड है, रॉ फॉर्म है, और जो खाना हमने खाया है वो कुक्ड है यानी ऑयली है। उसके साथ जब फ्रूट्स मिक्स हो जाएगा तो अंदर में फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाएगी। फर्मेंटेशन होगा तो वो सब मिल के अंदर बिगड़ जाएगा और उसकी वजह से हमारे शरीर में आम पैदा होगा। आम एक विष है और जो विष पैदा होगा शरीर में, टॉक्सिन्स पैदा होंगे, उससे फ्रूट्स खाने के बाद जो हमको बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स तो मिलने से रहे लेकिन डिसएडवांटेजेस हमारी बॉडी को ज्यादा होने लगते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कभी कभी हम देखते हैं खाना खाने के बाद बनाना खाया है तो तुरंत ही मोशन के लिए भागना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद जिन्होंने ऑरेंज खाया है तो उनको एसिडिटी और ब्लोटिंग होने लगती है, तो ये रीजन है खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाने से खाने की वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद रात को कभी भी फ्रूट्स ना खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि फ्रूट्स रात को खाते हैं। फ्रूट्स जो है फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा शुगरी होते हैं, हाई इन शुगर होते हैं। फ्रूट में फ्रुक्टोज नाम का शुगर होता है जो ज्यादा प्रमाण में होता है, जो आपका वेट गेन कर सकता है। दूसरी बात कि रात को फ्रूट खाने से वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, आपको एसिडिटी होने लगती है। हमेशा याद रखें कि फ्रूट्स को शाम को 5 या 6 बजे से पहले खा लें, शाम को 5-6 बजे के बाद फ्रूट्स का कंजप्शन कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। और दूसरी बात के हमारी बॉडी जो है वो रात को फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होती है। इसीलिए जो लोग रात को फ्रूट्स खा के सोते हैं उनको ओवरनाइट एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग की शिकायत बनी रहती है। इसीलिए रात को फ्रूट्स कभी भी ना खाएं। उसके बाद लोगों की आजकल ये फैशन चल चुकी है कि फ्रूट जूस पीते हैं। फ्रूट के जूस पीना शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना कि हमें रॉ फ्रूट खाना, क्योंकि रॉ फ्रूट्स यानी कि होलसम फ्रूट जो है उसमें डाइट्री फाइबर्स होते हैं। ये डाइट्री फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब फ्रूट का हम जूस निकाल लेते हैं तो उसके फाइबर्स, उसके रेशे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है वो उसमें से निकल जाते हैं, और डाइट्री फाइबर्स निकलने के बाद फ्रूट का शुगर ही डायरेक्ट बॉडी में जाता है, और फ्रूट्स में जो हाई शुगर कंटेंट है उसकी वजह से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर लेवल भी बढ़ सकता है और मोटापा भी बढ़ सकता है। इसीलिए फ्रूट जूस को बिल्कुल भी ना पिए। दूसरी बात कि जब फ्रूट्स को मिक्सर में ग्राइंड किया जाता है तो जो अंदर हीट जनरेट होती है उसकी वजह से उसके काफी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं और फ्रूट्स के अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं। और पैकेट जूस तो आप बिल्कुल भी ना पिए। पैकेट जूसेस में उसमें एड ऑन शुगर भी होती है, उसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, ये बिल्कुल भी ना पिए क्योंकि पैकेट जूसेस बहुत नुकसान करते हैं। अगर आप कभी कभार फ्रेश जूस पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि फ्रूट्स के ज्यादा बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो फ्रूट्स को धो के उसको आप होल फ्रूट्स को ही ज्यादा खाना प्रेफर करें, आप उसको जूस निकाल कर ना पिए। उसके बाद आगे दूध और फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके कभी भी ना खाएं। दूध और फ्रूट्स को मिक्स करने से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। कुछ खट्टे फ्रूट्स होते हैं जो दूध के साथ जब मिक्स किए जाते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो एसिडिक नेचर है वो दूध के साथ मिक्स होकर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और उसकी वजह से हमें स्किन डिसीज होते हैं। काफी सारे लोगों की आदत होती है जैसे स्ट्रॉबेरी जैसे खट्टे फ्रूट्स हैं उसको आप दूध के साथ मिक्स करके लेते हैं, ग्रेप्स को दूध के साथ मिक्स करके लिया जाता है, बनाना को दूध के साथ मिक्स करके लिया जाता है और ये हमें पता भी नहीं होता है कि इसको हमें नहीं लेना है। फ्रूट सलाद हमारा एक बहुत कॉमन चीज है जो हम खाते हैं, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज में जहां पे फ्रूट्स और दूध को मिक्स करके खाया जाता है वहां पे स्किन डिसीज और स्पेशली मैंने अपने प्रैक्टिस में ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग की प्रॉब्लम होते हुए देखी है। उसके अलावा स्किन एलर्जी है, अर्टिकेरिया है और फंगल इन्फेक्शन, ये काफी डिसीज सिर्फ दूध और फ्रूट्स का मिक्सचर खाने की वजह से होते हैं। दो ही फ्रूट ऐसे हैं, एक पक्का मैंगो है राइप मैंगो और दूसरा डेट्स यानी खजूर, इसको आप दूध के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। उसके अलावा किसी भी फ्रूट्स को दूध के साथ मिक्स करके कभी भी ना लें। और उसके बाद आगे कभी भी मिक्स फ्रूट ना खाएं। आजकल ये फैशन चला हुआ है जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो फ्रूट डिश हमको मिलती है। फ्रूट डिश में बहुत सारे फ्रूट 7-8-10 फ्रूट्स मिक्स होते हैं जिसमें आप वाटरमेलन भी होता है, जिसमें कोई ग्रेप्स भी होते हैं, उसमें आप एप्पल भी होता है, काफी सारे फ्रूट्स एक साथ मिक्स होते हैं। कुछ तो अनसीजनल भी होते हैं जो सीजनल नहीं है और कुछ फैशनेबल फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कीवी भी होता है अंदर, उसमें ड्रैगन फ्रूट्स भी होते हैं।
तो ये मिक्स फ्रूट कुछ उसमें से कुछ फ्रूट्स एसिडिक होते हैं और कुछ फ्रूट्स अल्कलाइन होते हैं। ये भी जब एक साथ पेट में जाते हैं तो हमारे पेट में वो अंदर मिक्स होके फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं जिससे हमको गैस एसिडिटी होता है। इसीलिए आप मिक्स फ्रूट कभी भी ना खाएं, एक टाइम पे एक फ्रूट का कंजप्शन करें। अगर एसिडिक फ्रूट खा रहे हैं तो एसिडिक नेचर वाला फ्रूट खाएं, और अगर आप अल्कलाइन फ्रूट खा रहे हैं तो अल्कलाइन फ्रूट खाएं, मीठे फ्रूट खा रहे हैं तो मीठे खाएं, खट्टे फ्रूट खा रहे हैं तो खट्टे खाएं, साथ में मिलाकर ना खाएं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता देता हूं कि फ्रूट्स खाने का सही समय कौन सा है। फ्रूट्स खाने का सही समय सुबह खाली पेट है। अगर आप सुबह खाली पेट फ्रूट्स को सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे। अगर आप सुबह खाली पेट फ्रूट्स को नहीं खा सकते हैं तो खाना खाने के 2 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम ले सकते हैं, यानी लंच के 2 घंटा पहले या लंच के 2 घंटे के बाद। लेकिन याद रखें, डिनर के बाद, डिनर से पहले फ्रूट्स ना खाएं, शाम को 6 बजे से पहले फ्रूट्स को खा लें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे फ्रूट्स किस तरह से खाने हैं उसके बारे में प्रोवाइड करी है। आप इस तरह से अगर फ्रूट्स खाएंगे तो आपके शरीर को फ्रूट्स से बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे, और आशा रखता हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल साबित होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को जरूर से सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम आयुर्वेद की बात करते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अगले वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।